जमीन के अंदर अंदर बोर्ड वाक वाक वास्ते जगह बनाई हुई है। ए लोग तरक्की करते हैं, साढ़े पास बन्ना वाट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज यहाँ पे हम आए हुए हैं माउंटेन क्रीक, ये एक न्यूजर्सी में जगह है, हमसे तो काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पे ना रंग बहुत खूबसूरत होते हैं, जो खजा के मौसम के जो रंग है ना यहाँ पे बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अभी जो है ना पते और हाइट पे जाएँ ना, यहाँ पे हाइकिंग है, पहाड़ के ऊपर आप चढ़ते हैं, हाइक पे जाएँ तो फिर तो वहाँ से तो रंग नजर आते हैं, लेकिन वैसे जो है ना वो मौसम अब ख़त्म होने वाला है, तो जो पत्ते वगैरह हैं ना वो भी सूख चुके हैं, इतना ख़ास उसमें कुछ है नहीं, तो वो भी लोगों के लिए मेला लगा हुआ है, हमने कहा चला चलो मेले में इंजॉय कर लें। इतना यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, साथ साथ लोग जनाब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ये यहाँ पे होता है फेस्टिवल 31 अक्टूबर को, इनका मानना है कि यहाँ पे जो है 31 अक्टूबर को रूही जो होती है उस दिन वापस आती हैं उस रात को, इसलिए ये फेस्टिवल मनाते हैं, इसलिए ये मेला भी है। ये देखें खा ही नहीं जाए मुझे, ये देखें ना बिल्कुल पम्पकिन स्पाइस, और इनके ये यहाँ पे स्पेशल डिशेज भी बनाते हैं, केक वगैरह ये वो, ये बहुत मशहूर है, लोग कास्ट करते हैं, और ताकि फिर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं ये पम्पकिन, और इनके बिल्कुल खेत होते हैं, उनमें जनाब आपको ट्राली, यहाँ पे ट्राली होती हैं, उनमें आपको सैर भी करवाते हैं, तो ट्रालियाँ बनाई हुई हैं उनमें आपको सैर भी करवाते हैं ये साथ में। ये है मौसम, यहाँ पे पहले भी मैं दो दफ़ा आ चुका हूँ, और ये पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ सामने पीछे वाला, इसकी चोटी पे ये इस हाइक है, वहाँ से हम शुरू हुए थे, ये तो अब हम बीच में यहाँ पे स्टॉप कर लिए, क्योंकि यहाँ पे वो पेड़ था, मेला वगैरह था, उस स्टॉप हमने यहाँ पे किया, नहीं तो यहाँ तकरीबन 2 मील तकरीबन 3-1 किलोमीटर बनता है, तो यहाँ से आगे 2 किलोमीटर है और 1.5-1 मील बनता है यहाँ से आगे, वहाँ पे हम स्टॉप कर रहे थे, और वहाँ से ये ऐसे बोर्ड वॉक है, बहुत खूबसूरत बोर्ड वॉक है खेतों के दरमियान में, तो वहाँ से आते थे वो वॉक करके ऊपर, ये तक 1.5 माइल है ये ऊपर जाना, तो यहाँ से 2 बार हम ऊपर गए हैं, लेकिन ऊपर का जो व्यू है ना बहुत मज़ेदार है, खूबसूरत व्यू है। अभी तो खैर ये पत्ते जो है ना वो जड़ चुके हैं, इतना व्यू मज़ेदार नहीं लगेगा, ये एक मरला क्रॉस करें तो आगे ये खूबसूरत ट्रैक आपका इंतज़ार करता है, पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत ट्रैक। यहाँ से एक और बोर्ड वॉक शुरू हो जाती है जंगल के दरमियान, है ना, कभी अगर इस पे पत्ते होते तो बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन इस पे पत्ते नहीं है, हाय पत्ते नहीं है, पत्ते होते ना तो ये वॉक और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब हम पहले दफ़ा आए थे तब यहाँ पे ग्रीनरी थी, सारी ग्रीनरी, तो वो भी अच्छा लगता है हर चीज़ ग्रीन हो। हाँ ये अर्तुरुल वाली जगह ही है, अर्तुरुल वाली सीन ही है, बस अभी ऐसा लगता है कि मंगोल अभी कहीं से जाना हमला कर देंगे उन्हीं जगहों में घूम रहे हैं। गुड जॉब। यासर खान मंगोल कहीं हमला ना कर दे हम पे जगह तो वाकई वही है, देखो ना इधर उधर। आज हम आए हुए मंगोलों के ठिकाने पे और जा रहे हैं, अभी तलवारें हमारे पास नहीं है,
क्योंकि मॉडर्न दौर है, हम पत्थर से लड़ेंगे। तो देखते हैं आगे, बालगाय आगे खड़ा होता है कि नौजवान खड़ा होता है। सलीबी भी फेर रहे हैं, सलीबी हमें कुछ नहीं कहते, इनसे हमारा मुआहदा है। देखो यार, हूँ किसी की जमीन है, तो जमीन के अंदर अंदर बोर्ड वाक वाक वास्ते जगह बनाई हुई है। ए लोग तरक्की करते हैं, साढ़े पास बन्ना वाट देंगे ने, इतनी जगह होती बनने की, वह वाट देंगे ने कि यार कोई साड़ी फसल ज्यादा हो जाएगी। इधर वेखो, ये हम जमीन के अंदर वेखो बोर्ड वाक, सिर्फ वाक वास्ते लोगों के, है ना कमाल। कौमा कितने पहुंच गई हैं असी, अजे वेखो कितने खूबसूरत। अभी तो खैर ये है कि यहाँ पे जो है ना ग्रीनरी, अभी तो मौसम खजान चल रहा है, सब कुछ सूख चुकी है, लेकिन यहाँ पे फूल होते हैं डिफरेंट किस्म के, और ये ग्रीनरी होती है। फिर आप जब इस पे वॉक करते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही मज़ा होता है। अभी तो खैर यहाँ पे सब कुछ सूख चुका है, देख ही रहे हैं आप, लेकिन फिर भी बोर्ड वॉक कितनी खूबसूरत लग रही है। व्यू व्यू चेक करें, व्यू आ मज्जा भी दिखा रहे हैं ना, वाह मच्छियां दे हैं नाल मज्जा, वाह हैं जबरदस्त। ये अपने पिंड फिर रहे हैं, विगेंद बीच नाल गांव फिर रहे हैं, बंदे बंदे आंदे ने थे ना, जणा लकनी लकड़ दे बंदे बनाया। सही गल, बने ते जा रहे हैं। फायदा कोई नहीं, अगली बारी चढ़सू चलो असि वही घर, सारे रब रखा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बहुआ, बहुत थक गया।